टीकमगढ़ जिले के पिछड़ा मोर्चा द्वारा टीकमगढ़ गांधी चौराहे पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से सरकार को इस्तीफा की मांग करते हुए पुतला दहन किया। बताया जाता है कि केरल के भाजपा नेता श्री निवासन एडवोकेट की कट्टरपंथी लोगों ने निर्मम हत्या कर दी। यह सिलसिला विगत कई वर्षों से केरल में भाजपा और विद्यार्थी परिषद संघ के स्वयंसेवकों की हत्या की जा रही है, जिसका हम विरोध करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। केरल में वामपंथी गुंडों द्वारा हमारे भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश के सचिव श्री श्री निवासन जी, इतने निष्ठावान और देश प्रेमी, राष्ट्रहित की सोच रखने वाले कार्यकर्ता थे, उनकी दिन दहाड़े उनकी माँ और उनके बच्चों के सामने उनके घर में घुसकर वामपंथी गुंडों द्वारा उनकी हत्या की गई। हम इस देश विरोधी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो लगातार दबाया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, इसका विरोध करते हैं। आज यह कार्यक्रम केरल सरकार के यह दमनकारी लोगों ने कार्यक्रम चला रखा है, उसका हम विरोध करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में नरेंद्र जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ है और संपूर्ण देश और संपूर्ण प्रदेश में यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे गुंडों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन्हें फांसी हो और इसके लिए जिम्मेदार सरकार के मुख्यमंत्री और वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। केरल के मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दें इस घटना के कारण, और हम प्रदेश राष्ट्र अपने दिल्ली सरकार से भारत की सरकार से भी आग्रह करते हैं कि वो इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। बड़े दुख का विषय है, भारतीय जनता पार्टी केरल पिछड़ा वर्ग मोर्चा के हमारे सचिव उनका एडवोकेट हैं, बड़े देशभक्त कार्यकर्ता हैं, जरूरतमंदों की सेवा करने वाले, बड़े सामान्य परिवार में जन्मे श्रीनिवासन जी की षड्यंत्र पूर्वक हत्या हुई है। और यह पहली हत्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और समस्त समविचारी संगठन जो देशभक्ति के लिए को लेकर राष्ट्र को प्रथम मानकर काम कर रहे हैं, जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं, अंत्योदय के विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों की लगातार हत्याएं की जा रही हैं। वहां पर भ्रष्टाचार और अनाचार का, आतंक का बोलबाला है, कानून का राज समाप्त है। तो वहां के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे और उनका पुतला दहन का मुख्यमंत्री का यहाँ कार्यक्रम टीकमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से किया गया आनंद जी के नेतृत्व में। टीकमगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश और पूरे देश में हर जिला केंद्रों पर ये कार्यक्रम उनके पुतला दहन की किए जा रहे हैं। और हम मांग कर रहे हैं कि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, मुख्यमंत्री जी चेत जाएँ, इस्तीफा दें, दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई हो, उनको जेल पहुँचाया जाए, नामजद FIR हो, और इस तरह के जो षड्यंत्र पूर्वक हत्याएं हो रही हैं ये क्रम रुकना चाहिए। देश गुस्से में है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां के जो सचिव श्रीनिवासन जी हैं उनके साथ हैं और उनके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े रोष में हैं और बड़े दुखी हैं। उस परिवार के साथ भगवान उनको शांति, उनकी आत्मा को शांति दे, और उसके परिवार के साथ हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं। मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना ही होगा, केंद्र सरकार से भी हम मांग करेंगे कि उस सरकार को हटाया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।